NTAUGCNET यानी निमेजनेट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप ऑफ सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें से हम देखने वाले हैं कि 2012 से लेके 2019 तक किस तरह से सैम्पलिंग में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आज तक बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो आप पूरी वीडियो देखना तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और ये कितने तरह की होती है इन सभी के बारे में हमने पहले बात की है, और अगर आपने वो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारी वो वीडियो देख ली है तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जून 2012 से दिसंबर 2019 तक सैम्पलिंग में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्शन प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। तो अब इसे हम इंग्लिश में देखते ताकि आप अच्छे से ये समझ पाए। ये है 51 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 का है सॉरी दोस्तों, और इसमें 51 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कौन सा सैम्पलिंग मेथड है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने दिया है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और इन ये जितनी भी सैम्पलिंग है इनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जल्दी से देख लीजिए ताकि आप ये वीडियो अच्छे से समझ सके। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आगे। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा, ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से प्रतिदर्शन प्रणाली में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है। अब देखिए वहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ था कि संभाव्यता पर आधारित है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है संभाव्यता पर आधारित नहीं है। और इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 60 है और क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा नीचे, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी के ऊपर निर्धारित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर जो इसका आंसर है दोस्तों वो है कोटा सैम्पलिंग। और पहले इन्होंने पूछा हुआ था कि जो प्रोबेबिलिटी पर आधारित है वो बताना था, अब हमें ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी पर आधारित नहीं है। अब देखिए कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग जो है दोस्तों ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके अंदर पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि हमें जो सैंपल है वो कितना कितना सैंपल लेना है, पहले से ही कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती। और इसके अलावा जैसे ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ये सभी की सभी क्या है ये हमारा, हाँ ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द,
अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं जो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद, जो हम सैंपल ले रहे हैं उनके अंदर एरर जो आता है वो किस तरह से हम कम कर सकते हैं। इसका सीधा सा सिंपल सा सवाल जवाब है दोस्तों, इसका ये है कि जब हम सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा करेंगे, तो हमारा सैंपलिंग एरर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। अब देखिए, अब अगला है दोस्तों, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। व्हाइल द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नॉन एज, जो सैंपल इंफॉर्मेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटिक्स कहते हैं। ये देखिए, इसका आंसर 4 है, स्टेटिक्स। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे पॉपुलेशन की बात आ रही है तो उसे पैरामीटर, पी से पी मिल गया, पॉपुलेशन से पैरामीटर और सैंपल से स्टेटिक्स, ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, करीब 3 से 4 बार आ चुका है पहले, अलग अलग एग्जाम के अंदर ये आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। और आगे हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, जो हमारी लॉटरी मेथड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर, इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है दोस्तों, रेंडमाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4। और इसे आप हिंदी में देखना चाहे तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, बेतरतीब ग्रहण। अब ये देखिए हिंदी में किस तरह का ऊटपटांग सा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए सैम्पलिंग में से। ये देखिए, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अरे दोस्तों, कितने कितने आसान क्वेश्चन दे रहा है यूजीसी, बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, कोटा सैम्पलिंग, और ये देखिए बिल्कुल डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है। और जो दोस्त कहते हैं ना कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए, आपके सामने है, रिपीट हो रहे हैं। और कई दोस्त ऐसे भी मिलेंगे कहने वाले कि पहले होते थे रिपीट लेकिन अब नहीं होते, तो दोस्तों मैं उन सभी को बता दूं कि दिसंबर 2019 में भी डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हमने जो पहले वीडियोस बना रखी है रिपीटेड क्वेश्चन की, आप वो देखिए, उसके अंदर हमने आपको दिखाया गया है कि किस तरह से दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अब रिपीट नहीं होते, होते हैं, उनका थोड़ा सा हो सकता है उनके पूछने का तरीका अलग हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए, जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्शन है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें इसमें बतानी है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया दोस्तों, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे बी दिया है, परपोसिव सैम्पलिंग जो होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और इन सभी सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अन अकेडमी की तरफ से चैंपियनशिप फ्री मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है, इसके अंदर आपको 1 नवंबर से दोस्तों ज्योग्राफी के, एजुकेशन के और कंप्यूटर साइंस के फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, ज्योग्राफी का 8:30 बजे इवनिंग को, एजुकेशन का 10 बजे सुबह, और कंप्यूटर साइंस का इवनिंग 6 बजे लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है फ्री में। तो इसके लिए दोस्तों आप रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ये सभी लिंक दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करके बिल्कुल आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में टेस्ट मिलेंगे। और अभी जो हमारा अक्टूबर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद
फायदेमंद होने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी इन मॉक टेस्ट को ज़रूर 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 ट्राई करना दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो दोस्तों कॉमर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा अन अकेडमी के ऊपर। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से है तो दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करना, यहाँ से आपको कॉमर्स का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको अदर जो सेकंड सब्जेक्ट है उसकी जानकारी मिल जाएगी, आगे जो जो कोर्सेज आने वाले हैं उनकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो ये जो कोड है NTANET ये यूज़ करना दोस्तों, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो सबसे पहले दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको UGC NET से रिलेटेड बहुत सा फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और क्या होता है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जैसे UGC क्या करता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2013 में दे देगा, 14 में दे देगा, 15 में दे देगा, फिर क्या है कि 2 साल तक उन क्वेश्चन को रिपीट ही नहीं करेगा, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। अब देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये 2017 तक फिर बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2017 तक क्वेश्चन नहीं आया। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुए। ये देखिए, ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, तो फिर कहाँ पे रिपीट हुए, ये देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जून 2019 के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि किस तरह से सैम्पलिंग के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर रिपीट होते हैं। और मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि आपके लिए, हम सभी के लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिश वॉल ड्रो किसकी एक विधि है। अब देखिए, फिश वॉल ड्रो जो होती है वो एक ड्रो निकालते हैं, लॉटरी सिस्टम जो होता है उस तरह की ये विधि है। तो आप बताइए, अभी हमने किया था लॉटरी सिस्टम, वो किस में था, क्या था वो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, नॉन प्रोबेबिलिटी था, क्या था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, तो वो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी कौन सी तरह की सैम्पलिंग है वो हमें बताना है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो रैंडम सैम्पलिंग है। और इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है, डी जो है, इसका आंसर है यादृच्छिद प्रतिदर्शन, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग जो है इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है कि जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, द फिश बॉल ड्रॉ इज ए मेथड ऑफ ड्राइंग, तो ये किस तरह का मेथड है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको और भी आगे दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन कि सैम्पलिंग में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, ये हमने रिसर्च की 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक PDF बना रखी, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक, वो हमने सभी अलग कर रखे हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है। अगर आप ये PDF लेना चाहे तो आप ये PDF ले सकते हैं, आप हमें WhatsApp पे मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि सैम्पलिंग में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सूची में से उन प्रतिचयन विधियों का की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति कहा जाता है। असंभाव्यता क्या होती है दोस्तों,
बताइए, संभाव्यता होती है यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो होती है। तो अब हमें ये देखना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है। ये 5-6 यहाँ पे सैम्पलिंग दी है, इनमें से हमें चूज करना है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर डी इन्होंने दिया हुआ है, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, 2 हमारा ये हो गया विमात्मक प्रतिचिन्ह। हा। अब बताइए विमात्मक क्या होता है, आया समझ में? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको हम। देखिए 2, 3, 5 यहाँ पे इन्होंने दिया है, पहले हम देख लेते हैं विमात्मक 2, 3 और 5। विमात्मक स्नोबॉल सैम्पलिंग ये हमें पता ही है, और उसके बाद है कोटा प्रतिचयन, ये भी हमें पता ही है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। अब विमात्मक क्या होता है, विमात्मक के लिए हम इंग्लिश में चलते हैं ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इंग्लिश में कौन सा है, ये रहा अपना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया था वो डायमेंशनल सैम्पलिंग इन्होंने दिया है, तो डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है दोस्तों वो भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि 2, 3, 5 की बात कर रहा है, तो 2 की हम बात करते हैं। अब ये देखिए, हम सभी क्वेश्चन, सभी जो ऑप्शन है उन पे बात करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, सबसे पहली बात आ रही है कि ये पूछ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ए है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या है, ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा कट। उसके बाद में हम बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होते वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है दोस्तों वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। उसके बाद आती है दोस्तों कोटा सैम्पलिंग, हाँ कोटा सैम्पलिंग जो होती है वो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ये हमें पता है। उसके बाद है दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है वो भी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, यानी कि इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर 6 है, ये भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 है, ये भी हमारा कट हो गया, और उसके बाद में ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है, ये भी हमारा कट हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, 2, 3 और कौन सा रह गया, हमारे पास रह गया ऑप्शन नंबर 4, 5 कोटा सैम्पलिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे भी इसमें से कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ ये देखिए ये रहा June 26, 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इसके अंदर देखिए इन्होंने पूछा हुआ कि स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्शन के चयन की वह प्रक्रिया जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन्होंने ये पूछा हुआ कि जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो किस लिए यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, वो हमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसका ऑप्शन है एक नेटवर्क समूह स्नोबॉल कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखिए ये मैंने आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पहले भी बताया था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के पास जाके अन्य व्यक्तियों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हम किसी गांव के अंदर जाते हैं, एक जो नशा करने वाला है उससे हम पूछते, एक व्यक्ति के पास गए हम, ठीक है, एक व्यक्ति के पास गए और उसी से हम पूछेंगे भाई तेरी जान पहचान में तेरे यार दोस्त ऐसे कौन कौन से जो नशा करते हैं और उनके जीवन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है और उनकी आमदनी क्या है, उनका खर्चा क्या है, यानी कि एक ही व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों की जानकारी लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं, यानी कि उसके अंदर हम पूरे नेटवर्क की जानकारी लेते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क के अंदर हम काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ए है, यानी कि नेटवर्क है, स्नोबॉल सैम्पलिंग नेटवर्क के अंदर यूज की जाती है, ठीक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और किसी भी दोस्त को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो रियल में अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक ज़रूर बनता है यारो, और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना,
ठीक है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए आगे इस तरह की वीडियो बनाएँ। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि काफ़ी दोस्त ये भी कह सकते हैं कि आपने दिसंबर 2019 के क्वेश्चन नहीं दिखाए सैम्पलिंग के। तो देखिए, दिसंबर 2019 में हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि जो सैम्पलिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर नहीं आएंगे। नहीं दोस्तों, पूरी पूरी संभावना है उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने देखा था जैसे कि 2015 के बाद में ना 16 में आए, 17 18 में 3 साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया सैम्पलिंग से रिलेटेड, लेकिन जून 2019 के अंदर इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दिसंबर में नहीं आए हैं, तो इसकी पूरी पूरी संभावना बनती है कि अब जून 2020 का एग्जाम होगा उसके अंदर सैम्पलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिए, और अगर किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत है, इसमें कोई सवाल जवाब है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।